नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रत्नेश आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जलन के साथ उल्टी और दस्त की स्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते। दोस्तों, जलन के साथ उल्टी और दस्त की स्थितियों में होम्योपैथिक मेडिसिन आयरिस वर्सिकलर बहुत ही अच्छा लाभ करने वाली मेडिसिन है। अन्न नली से लेकर गुदा तक लगभग शरीर के सभी अंदरूनी भागों में जलन के साथ उल्टी और दस्त होने पर यह दवा बहुत ही अच्छा लाभ करती है। इस तरह के मरीजों में जलन के साथ खट्टी उल्टी होती है। उल्टी इतनी ज़्यादा खट्टी होती है कि अन्न नली खुरच सी जाती है। मरीज में जलन के साथ उल्टी और दस्त आते हैं। पतले दस्त होने पर मल द्वार में आग की भांत जलन होती है। जीभ, गला, पेट, आंतें और पैंक्रियाज में जलन इस दवा का मुख्य लक्षण है। पैंक्रियाज की बीमारी में यह दवा विशेष रूप से लाभ करती है। मरीज में मिचलाहट के साथ अत्यंत खट्टी उल्टी होती है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। सिर दर्द, खासकर दाहिनी कनपट्टी में दर्द होने लगता है। मरीज में उल्टी की स्थिति में पहले खाया हुआ पदार्थ, फिर खट्टा पानी और अंत में हरा या पीला पित्त निकलता है। उल्टी की स्थिति में जो भी कुछ निकलता है वह ठोस सूतदार होता है, जो मुंह से लेकर नीचे तक एक सूत में बधा होता है। उल्टी होने पर बार बार पेट से या नाभि केंद्र से उछाल या धक्का महसूस होता है। सामान्य रूप से इस दवा की 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी और मदर टिंचर आयरिस वर्सिकलर क्यू का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया इस दवा की 30 पोटेंसी आयरिस वर्सिकलर 30 दो से तीन बूंद या 4 से 6 गोली की मात्रा में दिन भर में 3 बार कुछ समय तक लेने से जलन के साथ उल्टी और दस्त की स्थितियों में बहुत ही बढ़िया आराम मिलता है। स्थिति और आवश्यकतानुसार इस दवा का मदर टिंचर आयरिस वर्सिकलर क्यू का प्रयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये था जलन के साथ उल्टी और दस्त की स्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन आयरिस वर्सिकलर से जुड़ी हुई बातें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं किसी और नॉलेजबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।